सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो में, जिसमें हम आपको अपराध जगत की खबरों से रूबरू कराते हैं। ऐसा क्या हुआ कि इस महिला का दुश्मन उसका अपना ही परिवार बन बैठा, जिस परिवार ने बड़े अरमानों से 5 साल पहले इस महिला को अपने घर की इज्जत बनाकर लाया था, उसी परिवार ने इसे इतनी कड़ी सजा क्यों दी? आखिरकार ऐसा क्या हुआ, इसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? क्या कुछ हुआ इस मामले में, आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। भाभी की देवर ने की हथौड़े से कूच कर हत्या। महिला का चल रहा था प्रेम प्रसंग, मना करने पर भी करती थी फोन पर बात। 1 साल पहले ही पति की हुई थी मौत। 2017 में महिला की हुई थी शादी। इस महिला को प्रेम करने की ऐसी सजा मिली कि किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसका ही परिवार उसे ऐसी दर्दनाक सजा देगा और महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। महिला के सिर पर आशिकी का भूत इस कदर सवार था कि उसने अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया, अपने पीछे मासूम बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गई। परिवार के लाख समझाने के बाद भी महिला ने बात नहीं मानी। शायद महिला अपने परिवार वालों की बात मान लेती तो उसे मौत के मुंह में ना जाना पड़ता। गाजियाबाद के लोनी वार्डर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। महिला को उसी के देवर ने हथौड़े से कूच कर मौत के घाट उतार दिया है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब तक कोई कुछ जान पाता तब तक पुलिस ने मौके पर पहुंच कर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी लड़की मार दी उसके ससुराल वालों ने जी, दहेज उसके पैसे तो पर जी 4 लाख रुपए मिले ले ले और पैसे पैसे मांगो जा जी। बदतमीजी करते थे, ले जाऊंगी मैं फिर लिया जी नम्मा करके लड़की और जी बार बार सास जेठ सास ससुर सारे देवर वेवर सब चिपके थे जी उसके। कहते हैं कि जिसके सिर पर इश्क का सनक सवार हो तो वो कुछ भी नहीं सोच पाता और ना उससे समाज की परवाह होती है और ना ही परिवार का डर। ऐसा ही हुआ कुछ इस हत्याकांड में भी। मृतक महिला का नाम ट्विंकल बताया जा रहा है। मृतक महिला ट्विंकल की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक आरोपी के बड़े भाई गौरव और ट्विंकल की शादी सितंबर 2017 में हुई थी। करीब 11 महीने पहले मुरादनगर में एक सड़क हादसे में गौरव की जान चली गई थी। गौरव की मौत के बाद आरोपी देवर लगातार अपनी भाभी को शक की नज़र से देखता था। उसका कहना है कि वो किसी और से फोन पर बात करती थी। जानकारी के मुताबिक मृतका अपने ससुराल में ही रहती थी जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पर ससुराल वालों का कहना है कि ट्विंकल का मेरे बेटे की मौत होने के बाद किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कई बार मना करने के बाद भी ट्विंकल नहीं मानी, जिस पर गुस्साए छोटे बेटे ने ट्विंकल की हत्या कर दी। थाना लोनी बॉर्डर के पंचवटी कॉलोनी में देर रात्रि एक हत्या होने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पर जाने पर पता चला कि मृतका ट्विंकल पत्नी स्वर्गीय श्री गौरव उम्र 25 वर्ष की हत्या उसके देवर अभिषेक के द्वारा हथौड़ा मार करके किया गया है। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए मौके से आला कत्ल हथौड़ा की बरामदगी सुनिश्चित की और तुरंत ही टीम बना करके हत्याकारित करने वाले जो अभियुक्त अभिषेक है उसे अरेस्ट कर लिया। आखिरकार क्या वजह थी कि महिला ने 3 बच्चों के होते हुए भी दोबारा और किसी से इश्क के पेच लड़ाए? क्या उसे अकेलापन सता रहा था या फिर कोई और बात थी? इस पूरे मामले में मृतका की मां का कहना है कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करते थे और उसकी बेटी के पैसे भी ससुराल वालों ने हड़प लिए हैं। कई बार उनकी बेटी अपने मायके आ गई लेकिन ससुराल वाले किसी न किसी बहाने से उसको ले जाते थे।
इस वारदात में जिस तरह से दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही है उसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वारदात की गुत्थी इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। वहीं मृतका की मां के तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्यारोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आला कत्ल हथौड़ा भी बरामद कर लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस इस उलझी हुई वारदात की गुत्थी को सुलझा पाएगी या नहीं। फिलहाल पुलिस इस वारदात की जांच इंश्योरेंस के एंगल से भी कर रही है। अपराध जगत से जुड़ी हुई इस खास रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।